नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश न्यूनतम उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र से लेकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम तक के बारे में सदन को अवगत कराया कि परिवार पहचान पत्र से प्रदेश के लोगों तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, तो वहीं हरियाणा कौशल रोजगार निगम से युवाओं को स्थायी रोजगार मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब दिया, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन को अवगत कराया कि परिवार पहचान पत्र में जिन्होंने अपनी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक दर्शाई है, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सदन को इस बात से भी अवगत कराया कि परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य किसी भी प्राइवेट एजेंसी को नहीं दिया गया था, बल्कि सरकार के नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा 2 वर्ष की अवधि में काम को पूरा किया गया है। प्रश्न किया परिवार पहचान पत्र के नाते, 4 भाग हैं इसके। मैं चाहूंगा कि कै भाग की बजाय पहले खै गए और घै, इन तीन का उत्तर मैं पहले देता हूं। खै में यह कहा कि यदि कोई एजेंसी इसकी पहचान के लिए बनाई गई है सर्वे के लिए, तो उसके द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है, उसमें उन योजनाओं से पात्र योग्य परिवार जो वंचित हो गए हैं, तो मेरा कहना है कि इसमें हमने कोई किसी एजेंसी से कोई काम नहीं कराया है। ये पूरा काम सरकारी तंत्र उसी के माध्यम से हुआ है, इसलिए जब कोई एजेंसी नहीं की गई है तो उसके बाद जो गए है, क्या उक्त एजेंसी द्वारा जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण उचित ढंग से किया गया अथवा नहीं, इसलिए एजेंसी का कोई विषय नहीं है। इसी तरह चौथा जो भाग है कि क्या इस संबंध में सरकार ने कोई संज्ञान लिया, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा, यानी जब एजेंसी से कराया ही नहीं गया तो इसलिए उसका कोई संज्ञान लेने का। अब जो कै भाग है, उसमें आपने कहा है कि बहुत से परिवार पहचान पत्र के जो सर्वेक्षण के कारण से लाखों परिवार बीपीएल राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन आदि सरकारी योजनाओं से वंचित हो गए। हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये हमने बहुत पहले लगभग 2 साल पहले शुरू किया था, परिवारों की पहचान करना। और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि ये हमारा एक यूनिक ऐसा एक प्रयोग है पूरे देश में, बल्कि कई लोग दुनिया के भी जो आते हैं, एम्बेसडर वगैरह आते हैं, उनको जब परिवार पहचान पत्र की बात बताते हैं तो वो भी रुचि लेकर के हमसे समझना चाहते हैं। अभी तक सारे देश दुनिया में एक व्यक्ति, एक सिटीजन, उसकी पहचान आधार के नाते से तो बनाई गई है, प्रचलित है, वो हमारे यहां भी है, अमेरिका में भी है, सब जगह है, लेकिन हर समाज में परिवार एक इकाई है, तो इसको पहचान करके उसको चिन्हित किया जाए, उसकी एक आइडेंटिटी बनाई जाए। पहले हमने HRDB बनाया था, हरियाणा रेजिडेंट डाटाबेस, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको वहां छोड़ करके, क्योंकि उसके साथ आधार जुड़ा था, बाद में बताया गया कि आधार को हम किसी से जबरदस्ती नहीं पूछ सकते, हमारे पास जिन सेवाओं में आधार है उसका उपयोग करेंगे, लेकिन कोई ना बताना चाहे ना बताए, अब उसको छोड़ करके फिर हमने परिवार पहचान पत्र बनाया। और इस परिवार पहचान पत्र के आधार पर आज 72 लाख परिवारों का डाटा हमारे पास है, जिसमें 2,87,00,000 सिटीजन्स ये उसमें है। ये ठीक है, उसमें भी अभी लगभग 2.5-3% अभी ऐसा है कि जिन्होंने सेल्फ डिक्लेयर करके हमको डाटा दिया है, लेकिन अभी उसकी साइंड परफॉर्मा जो हम करवाते हैं कि वो इससे सहमत है, उसमें अभी 3% के लोग लगभग बाकी हैं। बहुत लोग उसमें मिल भी नहीं रहे, उस समय परिवार पहचान पत्र बनवाया, हो सकता है माइग्रेटेड फैमिलीज हो, बाहर चले गए हो, नहीं मिले हो, लेकिन उसको हम कंप्लीट करके और वो पूरा करेंगे। लेकिन जिनका हमने डाटा करवाया है, उस आधार पर हमने जो बीपीएल की व्याख्या बोले, जो पहले 1,20,000 के बाद एक्सक्लूड हो जाते थे, बाय एक्सक्लूजन दे वर नॉट बीपीएल फैमिलीज,
हमने उसको 180 किया, अर्थात 10,000 रुपया महीने के बजाय 15,000 रुपए महीने की आय का व्यक्ति वो बीपीएल माना जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विधायकों को अगर शिकायत है तो वे परिवार पहचान पत्र की अंकित संख्या के साथ अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय या सीएमओ कार्यालय में भेजे। मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वासन दिया है कि किसानों की फसल बिक्री की 4 लाख की आय की सीमा को बढ़ाने के बारे में पुनः विचार किया जा सकता है और इसके लिए नए सिरे से सर्वे करवाया जाएगा। जिन परिवारों का वार्षिक बिजली का बिल घर का डोमेस्टिक 9,000 या इससे ऊपर है उसको भी मैंने एक सी माना, क्योंकि एक सर्वे रिपोर्ट है कि 5% पैसा एक इनकम का वो आदमी अपना के बिजली के खर्च में देता है, 5% से उससे नीचे रहता, 5% से ज्यादा वो नहीं होता है। तो इस नाते से ये अभी मान लिया है। अब इसके बाद कुछ शिकायतें आई, ग्रीवेंसेस, तो लोगों ने कहा कि नहीं, हमारी तो आय जो है वो 1,80,000 नहीं है, तो उन ग्रीवेंसेस के नाते से 3,41,000 ग्रीवेंसेस भी मिली इसमें, जो वापस इन्होंने कहा। उसमें से 1,70,000 ग्रीवेंसेस रिजॉल्व कर दी और ये मान लिया कि हाँ इनकी आय वास्तव में 1,80,000 से नीचे है, उनकी सुविधाएं सारी बहाल कर दी है। अभी भी 1,64,000 ये बकाया है कि जिनकी अभी ग्रीवेंसेस का सर्वे होकर उसका फैसला होना बाकी है। तो इस प्रकार ये टोटल ग्रीवेंसेस के लगभग 50% का फैसला हो चुका है, 50% अभी शेष है। अब क्योंकि जनवरी में शुरू किया था इसको, अब ये महीने भर में मुझे लगता है कि इसको सारे को कंप्लीट करके जिनकी ग्रीवेंस ठीक पाई जाती है उनको जनवरी का भी राशन पूरा मिलता है। उनको लगातार क्योंकि जनवरी में बंद किया था, जनवरी फरवरी मार्च यानी चलेगा, तो इन 2-3 महीने का राशन उसको इकट्ठा भी मिलेगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसमें जो तथ्य है वो बड़े मजेदार आए हैं, कुछ मैं तथ्य बताता हूं। यानी एक परिवार है लेबर एक्सक्लूजन महेंद्रगढ़ का, सुमेर सिंह नाम है, परिवार पहचान पत्र भी लिखा है, जिसने विप्रो में काम करता है, उसके पिताजी वो एम्प्लाई है गवर्नमेंट में, तो कुल मिला के 19,00,000 उनकी इनकम है साल की, और वो पीला कार्ड है उसका लाभ लगातार ले रहा था। इसी प्रकार एक कंट्रेक्चुअल एम्प्लाई है, उसकी भी 7,66,000 रुपया कंट्रेक्चुअल एम्प्लाई जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती है उसका ये इनकम वहां से वेरीफाई हुई। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र के दूसरे दिन हरियाणा विधानसभा में स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को विशेष भत्ता वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार दिया जाता है और समय समय पर इसका रिव्यू किया जाता है। मुख्यमंत्री ने सदन में इस बात से भी अवगत कराया कि 9 जिले के नलहड़ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को अगस्त 2022 से विशेष भत्ते का बकाया मिलेगा। पहले ये भत्ता केवल डॉक्टरों के लिए ही था, लेकिन अब सरकार ने इसे अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को भी देने का निर्णय लिया है। पहली बात तो यह है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी जिले में स्पेशल कोई इंसेंटिव इस प्रकार का दिया जाता है तो ये सरकार की ओर से प्राथमिकता होती है, किसी जिले का अधिकार नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि हाँ दिया जाता था तो ये एक अधिकार पूर्वक कोई ऐसा वो नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए वहां जो जाएगा दिया ही जाता रहेगा। वो तो ये है कि जब तक वहां की डिमांड को पूरा करने में लोग आगे आते नहीं है ये तब तक की सुविधा, ताकि लोगों को इंसेंटिव मिले वहां जाए। तो इंसेंटिव इस नाते से दिया गया था। हाँ ये ठीक है कि चौके केवल डॉक्टर्स का था, डिपार्टमेंट ने यह कहा कि डॉक्टर साथ बाकियों को दिया जाए, वो फाइल चली, किन्हीं कारणों से वो फाइल देर हुई, लेकिन अब वो फाइल होगी जब से बंद हुआ अगस्त से, अगस्त ऑनवर्ड उसका एरियर्स वो भी दिए जाएंगे, इसकी चिंता नहीं करो, लेकिन बाकी सबको भी अब जब शुरू करेंगे उस समय से वो दिया जाएगा, डॉक्टर्स को मिलेगा, एरियर मिलेगा। इसके साथ ही सदन को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत ठेकेदारों के जरिए कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए किया गया है। कर्मचारी एवं कर्मचारी संगठनों से शिकायतें प्राप्त हुई थी कि ठेकेदार न तो इन कर्मचारियों को ईपीएफ और न ही ईएसआई का लाभ दे रहे थे। एचकेआरएनएल के जरिए से नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को ये सभी लाभ मिल रहे हैं। 1,06,464 जो पहले से कंट्रेक्चुअल एम्प्लाई हैं, उनको उसमें पोर्ट किया गया है और वो भी डिपार्टमेंट की सहमति से किया गया है। उसमें से पोर्ट करने के लिए जो प्रपोजल था वो 1,06,000 का था, लेकिन 95,424 लोगों ने सहमति दी, वो उसके अंदर पोर्ट हुए हैं। इसी प्रकार जो नए लोग जिनकी डिमांड डिपार्टमेंट से आती है
और जो अनुभवी लोग हैं पहले से, जो हमारे पास इसका डाटा है कि अनुभवी लोग हैं, किसी कारण से पहले कॉन्ट्रेक्चुअल थे वो छूट गई, बाद में फिर उन्होंने उसको अप्लाई किया, उनमें 6736 लोगों की जो दोबारा से डिमांड आई है, जिसमें से 4380 बल्कि जो डिमांड आई है वो सिलेक्ट करके उनको हमने ऑफर लेटर दिए हैं, 4380 लोगों ने उसमें से ज्वाइन कर लिया है, शेष का भी समय है जो उसको ज्वाइन करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये व्यवस्था शुरू क्यों की गई, क्योंकि बहुत से एम्प्लाईज जो हमारे आउटसोर्सिंग पर ठेकेदार प्रथा के माध्यम से आते थे, और लगातार एम्प्लाईज के और भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इस ठेकेदारी प्रथा को किस तरीके से खत्म किया जाए, क्योंकि ऐसे आउटसोर्सिंग के जितने भी कर्मचारी हैं उनका शोषण बहुत होता था, न उनको ईपीएफ का लाभ मिलता था, न उनको ईएसआई का लाभ मिलता था, तो इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं थी, जिसमें से लंबे विचार के बाद हमने कहा कि ठीक है, आउटसोर्सिंग रखना तो सरकार को पड़ता ही है, क्योंकि जो स्थायी नौकरियां हैं उसके लिए हमारी व्यवस्था अलग है, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो एचपीएससी है, या कहीं कहीं जो अलग से व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं वो सब परमानेंटली अलग से हैं, लेकिन जहां आउटसोर्सिंग किसी डिपार्टमेंट की इमीडिएट डिपार्टमेंट की डिमांड है उसको ठेकेदारों के माध्यम से लिया जाता था, उसके लिए ये बनाया गया है एचकेआरएन। और इसमें भी ये ठीक है कि ये बिल्कुल अस्थायी नौकरी है, एक साल के लिए होती है, एक साल के बाद उसको जैसे बाकी भी पहले भी उसकी एक्सटेंशन मिलती है तो उसी हिसाब से ही होगा, ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। परमानेंट नौकरी का तो अलग से हमने, जैसे ग्रुप सी का भी सीईटी हुआ है, अब उसमें से नौकरियां लगभग 30-35 हज़ार की रिक्वेशन आ गई है, उसी के बाद ग्रुप डी की है, उसके भी सीईटी होना है, वो सब प्रक्रिया अलग है, ये तो तुरंत इमीडिएट आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचकेआर के माध्यम से करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम का गठन एक कल्याणकारी स्कीम के तहत किया गया है, जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है और जिन परिवारों में कोई भी सरकारी नौकरी वाला सदस्य नहीं है, निगम के माध्यम से दिए जाने वाले रोजगार में प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निगम के माध्यम से केवल स्थायी रोजगार दिया जाता है और बाद में विभाग की मांग और कर्मचारी के कार्य कौशल के आधार पर रिन्यू किया जाता है। आधार जो पूछा है इसमें हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आधार है, और इस आधार के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि पोर्टल बनाया गया है, ट्रांसपेरेंट है, उसमें पहली प्राथमिकता जो पहले से एक्सपीरियंस लोग हैं उनको लिया जाता है, अगर एक्सपीरियंस लोग उपलब्ध ना हो तो फिर उस पोस्ट के लिए उसी पोर्टल में एक एडवर्टाइजमेंट दे करके कि ये हमारे पास इतनी सीटें हैं, अगर कोई और अप्लाई करना चाहता है अप्लाई करे, उसकी सैलरी भी निश्चित है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जो एक आउटसोर्सिंग की होती है वो की गई है, और इसमें भी बिल्कुल एक रैंकिंग के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट उसकी बनी हुई है उसमें सबको बताता है मेरिट लिस्ट क्या है, इसके अंदर बिल्कुल मार्क्स दिए जाते हैं कि उस परिवार की वार्षिक आय ये कितनी है, कम आय है उसको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये वेलफेयर स्कीम के माध्यम से हम चाहते हैं जिसके घर में मानो नौकरी नहीं है, गरीब है, उसको कम से कम आउटसोर्सिंग का अवसर मिल जाए। दूसरा, उस उम्मीदवार की आयु भी जो एक मध्यम आयु काम करने की लगभग 30-35 साल है उसको ज्यादा वेटेज दी जाती है, क्योंकि उसकी उम्र ऐसी निकल रही है उसको कम से कम इस स्टेज पर भी कोई और काम नहीं मिला है और वो इस नौकरी पर आना चाहता तो उसको ज्यादा दी जाती है। कौशल योग्यता उसकी कितनी है, यानी उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर उसने सीईटी का एग्जाम पास किया है उसके अलग से 10 मार्क्स है, फिर उसकी सामाजिक आर्थिक मापदंड, जैसे हम 5 नंबर देते हैं कि जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, या और जो हमने 5 नंबर अलग से रखे वो उसको देते हैं, ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट यानी जो लोकलाइज्ड व्यक्ति होगा उसको मार्क्स अलग दिए जाएंगे, अभी तो जिले में हम सेम जिले में नौकरी मिलेगी उसको 10 नंबर अलग मिलेंगे, अगर वो जिले से बाहर नौकरी लेना चाहता तो उसको 10 नंबर नहीं मिलेंगे। जहां तक ट्रांसपेरेंसी का विषय है, बिल्कुल मार्किंग तय होती है, उनको उनके मार्क्स बता दिए जाते हैं कि इस मार्क्स तक जो है रैंकिंग तक इनको नौकरी दी गई है, इनमें से कोई ज्वाइन नहीं करने आएगा तो दोबारा से जो उसके नीचे वाले लोग होते हैं उनको उनकी ऑफर ली जाती है, जो ऑफर एक्सेप्ट करता है वो उसमें आता है, जो एक्सेप्ट नहीं करता तो 15 दिन में उसका नाम उसकी ऑफर भी समाप्त कर दी जाती है, नए व्यक्ति को भेजा जाता है। मुख्यमंत्री ने सदन को जानकारी दी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम विभिन्न विभागों में अनुबंध आधार पर लगे 1,64,064 कर्मचारियों को नियुक्ति पेशकश पत्र जारी किए हैं, जिनमें से 95,424 ने निगम के पोर्टल पर ज्वाइन किया है। इसके अलावा 6,736 उम्मीदवारों को निगम द्वारा विभिन्न विभागों में नियुक्ति के पेशकश पत्र भेजे गए हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा
हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही जारी रही, जिसमें सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल से लेकर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने भी सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हरियाणा के कृषि किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने अपने ऑनलाइन नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार की बकायों की अदायगी के बाद नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने की एक ऑनलाइन प्रक्रिया बनाई हुई है और पोर्टल दर्शाए गए बकाए कर की फिस्ट चार्जिंग की अदायगी के बाद नो ड्यूज सर्टिफिकेट स्वतः जारी हो जाता है। हाँ महोदय, शहरी स्थायी निकाय विभाग ने अपने ऑनलाइन नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार के बकायों की अदायगी उपरांत नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने की ऑनलाइन प्रक्रिया बनाई है और पोर्टल दर्शाए गए बकाया कर फीस चार्जेज की अदायगी उपरांत नो ड्यूज सर्टिफिकेट स्वतः जारी हो जाता है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट को स्थायी निकाय के अधिकारी द्वारा जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह स्वतः जारी होता है। इसी प्रकार कोई भी नागरिक जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल पर बकाया देय राशि का भुगतान करता है तो उसे नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है, जो कि सरकार द्वारा संपत्ति के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए आवश्यक किया हुआ है। राजस्व विभाग का वेब हेल्प पोर्टल पूरी तरह से शहरी स्थायी निकाय विभाग के नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि नगर पालिका चिकामेश्वर नगर वार्ड नंबर 2 का टीला प्लॉट ग्राम पंचायत की जमीन अवैध कब्जा करके विकसित की गई कॉलोनियां है। ये कॉलोनियां वर्ष 1982 में नगर पालिका चिका के गठन से पहले ही स्थापित की गई थी। वार्ड नंबर 2 का टीला प्लॉट, वार्ड नंबर 10 का अम्बेडकर नगर, वार्ड नंबर 8 और 9 की संजय कॉलोनी, वार्ड नंबर 1 की बेगा बस्ती, वार्ड नंबर 6 की धानक बस्ती ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करके विकसित की गई कॉलोनियां हैं। ये कॉलोनियां वर्ष 1982 में नगर पालिका चिका के गठन से पहले की स्थापित की गई है। वर्तमान में जिस भूमि पर ये कॉलोनियां स्थापित हैं वह नगर पालिका चिका की भूमि है। खैर, राज्य में नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण करके बसे लोगों को मालिकाना हक देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हरियाणा के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है, जिसे पूरा करने के लिए स्टेट लेवल पर कैडर बनाकर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य की राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में 9,047 विकृत पद और 4,679 रिक्त पद है। इसके लिए HPSC को भी प्रस्ताव भेजा गया है। इनमें से कुछ पदों को भरने के लिए इंटरव्यू भी लिए जा चुके हैं। इस प्रकार भर्ती प्रक्रिया जारी है। उसके कै भाग का उत्तर है, प्रदेश के अंदर 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जिनके अंदर 9,047 पोस्ट सेंक्शन है, 4,679 पोस्ट खाली हैं। खै भाग का उत्तर है नहीं श्रीमान जी, और गै भाग का उत्तर है हाँ महोदय, अभी तक ये भत्ता डॉक्टरों को दिया जा रहा था, अब ये भत्ता ग्रुप ए से डी तक उन सभी कर्मचारियों को देने का प्रस्ताव विचाराधीन है जो मेवात जिले से नहीं है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से ये भत्ते की बात कर रहे हैं, इससे पहले ये भत्ता सिर्फ डॉक्टरों को ही मिलता था, बाकी को नहीं मिलता था, और अब हमने एक प्रपोजल जो भेजा है वो ए से और डी कैटेगरी सभी को मिलेगा, और पहले ये सिर्फ डॉक्टरों को जो अंडर ग्रेजुएट थे उनको 25,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 35,000 पर मंथ के हिसाब से एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता था, लेकिन अब हमने 10% बेसिक पे का प्लस डीए ये प्रोविजन बना करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से फाइल अप्रूव हो चुकी है। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के तहत बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 2,79,91,000 की राशि जारी की गई थी। ये राशि साल 2021 में जारी हुई थी। इस राशि से 26 विकास कार्यों को किया जाना तय किया गया था। उन्होंने बताया कि स्वीकृत 26 विकास कार्यों में से 8 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 9 कार्य प्रगतिधीन और 8 पर कार्य अभी शुरू होने हैं। 25284 के तहत हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के बजट से बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के 26 विकास कार्यों के लिए जारी की गई है थी। स्वीकृत 26 कार्यों में से 8 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 9 प्रगतिधीन हैं तथा 8 अभी शुरू नहीं किए जा सके हैं तथा 1 कार्य जमीन उपलब्ध ना होने के कारण नहीं करवाया जा सका। खैर, उपरोक्त कार्यों की राशि प्रारंभ में संबंधित ग्राम पंचायतों को जारी की गई थी। मई 2022 के महीने में 21 कार्यों की राशि
कार्यकारिणी अभियंता पंचायती राज सोनीपत को भेज दी गई थी। 5 कार्यों की राशि अभी भी ग्राम पंचायतों के पास है। अब कार्य हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर ई टेंडरिंग के माध्यम से टेंडर आमंत्रित करवाए जा रहे हैं। 17 प्रगतिधीन व शुरू ना किए गए कार्य 30/9/2023 तक पूर्ण होने की संभावना है। गांव जाक्सी सहरावत में जो चौपाल के लिए स्थान उपलब्ध न होने के कारण 1 काम की राशि वापस भेज दी गई है। देवेंद्र बबली ने कहा कि कार्यों को पूरा करवाने में किसी तरह की कोताही नहीं होगी। मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है, जिससे प्रदेश प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में भाषा एक ऐसा साधन है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है और उनकी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूरदर्शी विजन के साथ भारत विश्व में एक नई पहचान बना रहा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है, तो चलिए देखते हैं कि सीएम ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के दूरदर्शी विजन के साथ भारत विश्व में एक नई पहचान बना रहा है। आइए इंटरनेशनल अदर लैंग्वेज डे पर हम अपनी मातृभाषा का सम्मान एवं प्रसार करने का प्रण लेकर इस पहचान को और मजबूत करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है। इसका सही जवाब है डी, 2,00,000 रुपए। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जींद से सुरेश कुमार। सुरेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है हितेश कुमार, जो की पलवल से अतिरिक्त उपायुक्त के पद पर काबिज है। सुनिए। आधार में आप जैसे सरकार की जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं उनका आप बेनिफिट उठाना चाहते हो, तो उसमें आपका जो एड्रेस है वो अपडेट होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, इवन एड्रेस प्रूफ हो गया। आजकल तो आधार हर जगह कंपलसरी हो गया, बैंक में आपकी किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ उठाने में, तो वो हर जगह अगर आपका अपडेटेड होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लोगों से क्या अपील है? लोगों से मैं यही कहूंगा कि वैसे तो आप नॉर्मल डेज में भी किसी भी सर्व सेंटर पर जाके करा सकते हैं, अभी भी करा सकते हैं, लेकिन एक कैंप मोड में जाने का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जा सके। तो हमने जो भी जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक डेली बेसिस पे आती है सरकारी डिपार्टमेंट्सों में, वहाँ पे कैंप मोड में गए हैं। अदर देन दैट नॉर्मल CSC सेंटर्स पे जाके भी अपडेट कराया जा सकता है। तो लोगों से यही अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप का बेनिफिट उठाएं। 16, 17 एंड 18 तीन दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और मैं आपके माध्यम से एक और अनुरोध करूँगा, 20 से 27 हम दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए उनके UDID कार्ड के लिए भी कैंप लगा रहे हैं, जिसमें 20 से 21 होडल लगेगा, 22 से 23 आपका पलवल लगेगा और 24-25 हथीन लगेगा। ये तीनों सिविल हॉस्पिटल्स में लगेंगे। 26 एंड 27 को आपका बड़ौली एंड प्रथमा में लगेगा CSCs पे। तो इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजन भाई आएँ और UDID कार्ड बनवाएं। एक हमने सरल सेंटर में लगाया है, तो मैंने साथ में ही वहाँ आम जनता से डिस्कशन भी किया ताकि फीडबैक मिल जाए। तो उसमें एक एप्लीकेंट ने बताया कि उसको अलग अलग काउंटर्स पर बताया जा रहा है सरल सेंटर में, उसको डेथ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बनवाना था। तो वहाँ एप्लीकेंट हैं 7 बूथ नंबर पे प्रियंका और 11 पे रेनू, उन्होंने सरल सेंटर्स की फाइल्स लेने से मना किया था। तो उनको अभी फोकस करूँगा मैं, उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने क्यों मना किया था। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है।
हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा सरकार ने किसका पोर्टल लॉन्च किया है? ए फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल, बी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल, सी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।